हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। जैसा कि आप सबको मालूम है कि लॉकडाउन चल रहा है, हमारा देश एक बहुत ही इमरजेंसी से गुजर रहा है, बहुत बड़ी इमरजेंसी से गुजर रहा है। तो ऐसे में मैं आप सबको ये एडवाइस करूँगी कि घर पर रहिए और सेफ रहिए। आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट अनबॉक्स करने जा रही हूँ जो मैंने लॉकडाउन के पहले मंगवा लिया था, लेकिन मुझे उसको अनबॉक्स करने का टाइम नहीं मिला, तो आज मैं इसे अनबॉक्स करने जा रही हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि अब गर्मियाँ आ चुकी हैं और सर्दियों में तो हम लोगों ने अपने बच्चों को हगीज़ पहनाया है पूरे टाइम 24 आवर्स, लेकिन गर्मियों में आप उन्हें 24 आवर्स हगीज़ नहीं पहना सकते क्योंकि उनको रैशेज़ हो जाते हैं गर्मी में। तो मैंने बहुत स्क्रॉल किया, बहुत सर्च किया कि इसका कोई एक अनदर ऑप्शन हो, तो मुझे मिला ये एक प्रोडक्ट। मैंने देखा सुपर बॉटम्स के नाम से, मैंने देखा कि उसमें वो लोग इस तरीके के चारकोल लाइनर का इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये लाइनर ही मंगवा लूँ और इसे ही इस्तेमाल करके देखूँ। तो मैं इसको अनबॉक्स करने जा रही हूँ, चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं। तो मैंने इसे अनबॉक्स कर लिया है और ये बहुत दिनों तक यहाँ वहाँ पड़ा रहा था, इसलिए इसका बॉक्स थोड़ा सा मुड़ तुड़ सा गया है, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं ये है मेरे रियूजेबल डायपर इंसर्ट पैड्स। मैं आपको बताती हूँ मुझे इसका आइडिया कहाँ से आया। बहुत पहले मैंने मार्केट से एक ऐसा पैड ख़रीदा था बच्चों के लिए, ये क्लोथ डायपर है और इसको मैं इस तरीके की नैपी के साथ पहनाती थी, तो इन दोनों को मिला के ये 2 घंटे तक एब्जॉर्ब कर लेता था और बच्चे को रैशेज़ भी नहीं पड़ते थे। लेकिन मैंने देखा कि हाँ ये मेरे लिए थोड़ा सा वर्कफुल है, तो वहीं से मुझे ये आइडिया आया और मैंने ये डायपर इंसर्ट पैड्स मंगाए हैं। ये मुझे पड़े हैं 339 के और इसमें टोटल 5 पैड्स हैं। मैं इनको आपको इसकी क्वालिटी दिखाती हूँ, ये देखिए ये कुछ इस तरीके के 5 पैड्स इसमें मिले हैं। ये चारकोल लाइनर है और जैसा कि मैंने उसमें पढ़ा साइट पर कि इनकी 2 घंटे की एब्जॉर्बेंट कैपेसिटी है, और मैंने सोचा है कि मैं इसे अपनी इस तरीके की नैपी में स्टिच कर लूँगी और या तो मैं इसके साथ पहनाऊँगी या तो स्टिच कर लूँगी। इससे ये होगा कि जो आप हगीज़ यूज़ करते हैं उसकी कॉटन की वजह से जो बच्चों को रैशेस पड़ते हैं वो नहीं पड़ते, मुझे मालूम है क्योंकि मैं ऐसे हगीज़ क्लोथ डाइपर यूज़ कर चुकी हूँ पहले भी। तो मैं बोल सकती हूँ कि अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो आपके बच्चों को रैशेस नहीं आएंगे। तो अभी मैंने इसको यूज़ नहीं किया है और इसमें ये वेलक्रो भी पीछे लगा है, आप इसे चाहे तो किसी पैंट में चिपका भी सकते हैं ताकि अपनी जगह पर फिक्स रहे, और इसको आप धो के दोबारा यूज़ कर सकते हैं। ये है इसकी कुछ क्वालिटीज़ कि ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूड होल्ड कर सकता है, अच्छे से आप इसे धो सकते हैं और काफ़ी हाइजीनिक है। तो ऑल इन ऑल मैं कह सकती हूँ कि ये आपके बच्चे के लिए एक अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है। आप इसे ऑनलाइन अमेज़ॉन से मंगा सकते हैं, मंगाइए और यूज़ कीजिए। बात की कि कैसे ये कंफर्टेबल है, और आइए बात करते हैं बजट की। जैसे कि मैंने बहुत सर्च किया और घर पर पहनाने के लिए जो डायपर यूज़ करती थी वो मैंने पोको पैंट्स थे, और उसके बाद मैंने घर पर पहनाने के लिए सपल्स के डायपर्स को यूज़ किया। आप कितनी भी कोशिश करेंगे आपको पर डायपर 9 रुपीज़ की कॉस्ट पड़ती है, तो और ये आपको 339 में 5 मिले हैं जिनको अगर आप 2 महीने भी यूज़ करेंगे तो आपके काफ़ी कॉस्ट कटिंग हो जाती है, आपका बजट काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि वो डायपर आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। वो डायपर मैंने सपल्स का एक पैकेट मंगाया था 72 पीसेस का जो 1 महीने चला, और वो आया था 650 रुपये का, और ये आया है 350 रुपये का। और ऐसी नैपीज आपके घर में इजीली अवेलेबल होती है हर किसी के, या बच्चों की पैंट्स के साथ साथ उसको आप अटैच कर सकते हैं, तो ये बच्चों के लिए कंफर्टेबल भी है और आपके लिए बजट फ्रेंडली भी है। तो आप इसे एक बार जरूर मंगाएं और यूज़ करके देखें। अब आइए मैं अपना दूसरा प्रोडक्ट जो मैंने मंगाया है उसे अनबॉक्स करता हूँ। ये मेरा दूसरा प्रोडक्ट जो फर्स्ट ट्राई से आया है, मैंने फर्स्ट ट्राई से पहली बार कुछ मंगाया है, एक्चुअली मैंने मंगाया नहीं है, मेरी फ्रेंड ने मेरी बेटी को होली पर गिफ्ट किया है, तो मैंने इसको खोल दिया है। अब मैं देखने जा रही हूँ कि ये कैसा है।
इसका ये जो बिल है उसके हिसाब से ये मुझे टोटल पड़ा है 487, यानी अराउंड 500 में दोनों चीज़ें पड़ी हैं। उस समय सेल चौधरी का स्कर्ट आया है और सामने क्यूट सा बो लगा हुआ है। मैं जनरली अपनी बच्ची को होजरी के कपड़े ही पहनाना प्रेफर करती हूँ, ऐसे कपड़े जिसमें नेट लगा हो, बीट्स लगे हों, कोई मोती लगा हो, मैं ऐसे कपड़े उसे नहीं पहनाती हूँ, क्योंकि आप ज़्यादा देर ध्यान नहीं दे पाएंगे और कभी कोई मोती टूट गया और बच्चे के मुंह में चला गया तो ये बहुत नुकसानदायक हो सकता है। और जो वो नेट वाले कपड़े होते हैं या चमक धमक वाले कपड़े होते हैं वो बच्चों को गढ़ते हैं, वो हमें बता नहीं पाते हैं, इसलिए मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा होजरी के ही कपड़े पहनाना पसंद करती हूँ, क्योंकि ये बच्चों की स्किन पे भी रैशेज़ नहीं देते, स्किन फ्रेंडली होते हैं। तो ये एक इनकी रफेल वाली स्कर्ट आई है, लेयर्ड स्कर्ट, और हालांकि अभी इनके लिए थोड़ी सी बड़ी है, बहुत खुश हो रही है अपने कपड़े देखकर। और ये एक टॉप आया है, ये भी होजरी का है एंड इट्स ऑल्सो सुपर क्यूट। तो ये फर्स्ट ट्राई से मेरा पहला एक्सपीरियंस है जो मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप फर्स्ट ट्राई कर सकते हैं आई मस्ट से। तो ये रहे मेरे दोनों प्रोडक्ट। अब मैं अगली बार जब भी कुछ मंगाऊंगी जो बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट होगा मैं उसको आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।